वेलकम बैक टू इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल। दोस्तों अभी मैं आया हूँ नेहरू प्लेस में और यहाँ पर एक शॉप पे आया हूँ जिसका नाम है K25 कंप्यूटर और मेरे साथ रजत भाई हैं। तो रजत भाई से हम बात करेंगे और आज की वीडियो में हम जानेंगे अभी प्रोसेसर्स के क्या प्राइसेस चल रहे हैं इंटेल के और एएमडी के, तो और इसमें अभी क्या मार्केट का क्या सिनेरियो है सारी चीज़ें समझेंगे। तो भैया कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। तो भैया सबसे पहले तो आप जो नए व्यूअर्स होते हैं उनके लिए अपना नाम बता दीजिए और शॉप का नाम बता दीजिए। सो मेरा नाम है रजत एंड जो शॉप मतलब हमारा ऑफिस है ये 40-40 दो हिल चैम्बर्स में 46 नंबर बिल्डिंग एंड कंपनी नेम है हमारा K25 कंप्यूटर्स। ठीक है भैया, तो अभी इस शॉप का नाम है K25 कंप्यूटर। एक्चुअली शॉप है क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन हाउस हमारा। एक्चुअली ये शॉप है और मतलब यहाँ पे शॉप से ज़्यादा एक तरीके से वेयर हाउस है और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूटर टाइप के जी। मतलब ये नेहरू प्लेस के काफ़ी बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो यहाँ पर आपको हर तरीके के पार्ट्स मिल जाते हैं और गेमिंग पीसी वगैरह भी बनाते हैं सब मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अगर आपको पीसी बिल्ड वगैरह करवाना हो तो भी वो हो जाता है जी। तो इसके अलावा भैया मतलब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे होती है? बाकी अगर आपको पीसी से रिलेटेड कोई भी कंपोनेंट चाहिए वो सारे मिल जाएंगे, कोई पेरिफेरल चाहिए मॉनिटर्स हो गए या फिर आपको कुछ भी पीसी से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए वो सब अवेलेबल हो जाएगा। बाकी आपको प्रीबिल्ड पीसीज वगैरह चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे अगर आपको, और अगर आपको अपना कोई कस्टम पीसी चाहिए अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है आप हमें बता सकते हैं, हम उसके हिसाब से भी आपको पीसी बना के दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सारे सर्विसेज मिल जाएंगे पीसी से रिलेटेड जी और काफ़ी बढ़िया प्राइसेज वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं अभी प्राइसेज प्रोसेसर के क्या प्राइसेज चल रहे हैं सारा कवर कर लेते हैं। तो भैया अभी प्रोसेसर की प्राइसेज क्या क्या चल रही हैं यहाँ पे, अभी जैसे स्टार्टिंग में कौन सा है आपके पास सबसे बेसिक वाला? सो जो अभी मतलब इंटेल में है वो तो उसमें तो सबसे बेसिक आपको फिर वो i3 मिल जाएगा जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ता है अलग से, डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड। ठीक है। हाँ, तो i3 का कौन सा जनरेशन वाला? वो 10th जनरेशन होगा मेरे पास। 10th का 9th वाला? 9th में भी मिल जाएगा लेकिन जो 10th है उसकी जो प्राइसिंग है काफ़ी नीचे आ चुकी है तो अब लोग 9th प्रेफर ही नहीं करते। ठीक है जी। तो 10th में कौन सा होगा i3 में? 10th में जो है मेरे पास वो है, आपको दिखा देता हूँ मैं एक सेकेंड। सो ये है आपका सबसे बेसिक इंटेल का i3 10th जनरेशन है 10105F और ये वाला जो है ये आता है आपका 4 Core 8 Threads के साथ और ये जो है आपको 7500 रुपीज़ का मिल जाएगा। 7500 जी। ठीक है। इसके बाद? इसके बाद आपका इसी का एक दूसरा वेरिएंट आता है जिसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाते हैं जो इससे पहले मैंने बताया इसमें तो आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा अलग से एंड जो ये वाला है ये आपका i3 का 10th जनरेशन ही है सेम बट इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिल जाते हैं तो अगर आप इसमें ग्राफिक कार्ड नहीं भी लगाएंगे तो आपका काम चल जाएगा। सो ये वाला जो है ये आपको मिल जाएगा 9800 रुपीज़ का। ठीक है जी। इसके बाद? इसके बाद जो है वो हमारा आता है फिर i3 में ही 12th जनरेशन आ गई है अब जो नई आई है, ये आपको 4 Core 8 Threads के साथ ये भी मिल जाता है और ये वाला जो है ये आपको मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ का। ठीक है। नंबर कौन सा हुआ इसका? ये है आपका 12100F तो इसमें भी आपको एक ग्राफिक कार्ड अलग से लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है हमारे i5 आ जाते हैं, i5 में आपको सबसे बेसिक तो आपका है 10th जनरेशन का, आपको यहाँ पे दिख जाएगा 10400F जी। ये है आपका i5 का 10400F जो कि आपका 6 Core 12 Threads के साथ आता है और ये वाला जो है ये आपको इसमें एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा एंड इसकी जो कॉस्ट है वो आपको मिल जाएगी 11,000 रुपीज़ की। 11,000 जी। ठीक है भैया। इसके बाद? एंड इसके बाद जो है अपना दूसरा आता है वो है आपका 11th जनरेशन का i5, ये है आपका 11400F और इसमें भी आपको 6 Core and 12 Threads देखने को मिल जाते हैं और ये इसमें भी आपको एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा यूज़ करने के लिए और ये वाला जो है ये आपको मिल जाएगा 13,800 रुपीज़। 13,800 जी। ठीक है भैया। इसके बाद? और इसके बाद जो है वो अपना आ जाता है i5 में ही 11th जनरेशन का 11400, ये है आपका 11400 और ये वाला जो है इसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं तो अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं भी लगाएंगे अलग से तो आपका काम चल जाएगा इसमें भी एंड ये वाला जो है ये आपको मिल जाएगा 15,800 रुपीज़ का। 15,800 जी। ठीक है भैया। इसके बाद? एंड इसके बाद जो है वो अपना आता है 12th जनरेशन का i5, ये है आपका 12400, इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे
और ये वाला जो है ये आपका आता है 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ, और इसमें जो है आपको इसकी जो कॉस्टिंग है वो मिल जाएगी 18,500 रुपीज़ की। 18,500। इसी में एक दूसरा वेरिएंट भी आता है जो कि एफ वाला है, 12,400 F, वो आपको जो है वो मिल जाएगा 15,500 रुपये का। 15,500 जी, ठीक है भैया। और इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपके आ जाते हैं i7 के प्रोसेसर्स, ठीक है। और i7 में जो है वो आपको मिल जाएंगे, ये है आपका 9700K, ये 9th जनरेशन का है, के सीरीज का प्रोसेसर है। इसके साथ फैन नहीं आता, अलग से लगाना पड़ेगा, एंड अनलॉक होता है तो आप इसको ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। और ये वाला जो है आपको मिल जाएगा 23,500 रुपीज़ का, ठीक है जी। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आता है आपका 10th जनरेशन का i7 10700F, इसमें भी आपको ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा अलग से, और इसमें जो है वो आपको मिल जाते हैं 8 कोर 16 थ्रेड्स, ठीक है जी। और इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको मिल जाएगी 23,000 रुपीज़ की, ठीक है। और इसके बाद जो है फिर वो हमारा आ जाता है, सो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास i7 11700K, ये आपका के सीरीज़ का प्रोसेसर है, एंड इसमें आपको जो है अनलॉक प्रोसेसर है, अनलॉक प्रोसेसर है, इसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें कोई भी स्टॉक कूलर नहीं आता, इसके बाद आपको अलग से कूलर लगाना पड़ेगा, एंड के सीरीज़ का है तो इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मिल जाती है आपको 30,500 रुपीज़ की। 30,500 जी, ठीक है भैया। इसके बाद, इसके बाद जो है वो हमारे आ जाते हैं फिर 12th जनरेशन के प्रोसेसर। 12th में आपको सबसे जो i7 में सबसे बेसिक वाला जो है वो 12700F जी, तो ये आपको 26,000 रुपये का मिल जाएगा। 12700F है, इसमें आपको 12 कोर एंड 16 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो कि 8 होते हैं आपके परफॉर्मेंस कोर्स एंड 4 आपके एफिशिएंट कोर्स, और 16 थ्रेड्स इसमें आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है जी। और इसके बाद जो है फिर हमारा आता है 12700K, जो कि आपका 33,000 रुपीज़ का प्रोसेसर है। इसमें भी आपको स्टॉक कूलर नहीं मिलता, इसमें आपको 12 कोर 16 थ्रेड्स इसमें भी मिल जाएंगे, और ये के सीरीज़ का प्रोसेसर है, अनलॉक होता है, आप ओवरक्लॉक कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। फिर जो है हमारा आता है i9 का ही 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, 11900F जी, और इसके साथ आपको स्टॉक कूलर भी मिल जाएगा, स्टॉक कूलर पे भी चला सकते हैं आप इसको, और इसमें आपको जो मिलते हैं वो मिलते हैं 8 कोर 16 थ्रेड्स, और इसकी जो कॉस्टिंग है वो आपको मिल जाएगी 35,000 रुपीज़ की। 35,000 जी, ठीक है। और इसी में आपको एक के सीरीज़ का प्रोसेसर भी मिल जाएगा 11900K, वो आपको मिल जाएगा 38,000 रुपीज़ का। सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है और सबसे अच्छा प्रोसेसर है अभी तक इंटेल का, और ये है आपका i9 12900K, इसमें आपको 16 कोर 24 थ्रेड्स मिल जाते हैं, और इसमें भी आपको कोई स्टॉक कूलर नहीं मिलता, इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाएंगे, और ये जो है वो आपको मिल जाएगा 53,000 रुपीज़ का। 53,000 जी, ठीक है भैया। इसके बाद AMD के प्रोसेसर क्या क्या प्राइसिंग चल रहा है आजकल? जी, तो AMD में भी कुछ प्रोसेसर अवेलेबल है मेरे पास। ये है आपका एथलॉन सीरीज़ का 3000G प्रोसेसर, इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और ये आपका इसमें आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिल जाते हैं, और ये आपका सबसे बेसिक प्रोसेसर आता है AMD का, और इसमें इसकी जो कॉस्टिंग है वो मिल जाएगी आपको 8,000 रुपीज़ की। 8,000 जी, ठीक है भैया। और नेक्स्ट जो है वो आपको मिल जाएगा राइजन का 3500, राइजन 5 3500, इसमें आपको 6 कोर 6 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, स्टॉक कूलर के साथ आता है, स्टॉक कूलर इसमें मिल जाएगा आपको, और इसमें भी आपको अलग से ग्राफिक कार्ड लगाना पड़ेगा, इसमें इनबिल्ट ग्राफिक्स नहीं आते, और ये वाला जो है आपको मिल जाएगा 13,500 रुपये का। 13,500 जी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है राइजन का 3600, ये भी आपको ये इसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलते हैं, एंड 32 MB एल कैश मिलती है, जो कि आपकी काफ़ी फास्ट मेमोरी हो जाती है, उसमें आपको स्पीड काफ़ी अच्छी मिल जाती है, और स्टॉक कूलर के साथ ये भी आता है, इसमें भी आपको एक अलग से ग्राफिक कार्ड, डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड इसमें लगाना पड़ेगा, एंड ये जो है आपको 17,500 रुपये का मिल जाएगा। फिर इसमें आता है Ryzen 9 की तरफ से Ryzen 9 5900X, इसमें आपको 12 कोर 24 थ्रेड्स मिल जाते हैं, और इसमें जो है आपको कॉस्टिंग मिल जाएगी 44,000 रुपीज़ की। 44,000 जी, तो ये इनके साथ आपको मदरबोर्ड वगैरह भी सारा कुछ मिल जाएगा ना भैया? हाँ, मतलब इन AMD के मदरबोर्ड्स एंड इंटेल के मदरबोर्ड्स आपको सारे मिल जाएंगे। सो ये तो हो गए हमारे प्रोसेसर्स, और बाकी अगर आपको कोई और भी रिक्वायरमेंट है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर, और आप अपनी जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन है या फिर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपको बता सकते हैं, उसके लिए आपको जो भी सोल्यूशन चाहिए वो मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सारे प्रोसेसर के प्राइसेस कवर कर लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।